आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ सिर्फ बिग एफएम पर। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय सबसे सरल मंत्र, इसका अर्थ भी सबसे सरल, शिव के चरण में मेरा नमन। सहर कार्यक्रम में मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक भक्ति में सुबह की शुरुआत करती हूँ। आप सबका स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आज 11/12/2017 सोमवार है। आज चंद्रमा कन्या राशि में अहोरात्र नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी शाम 6:07 तक। आज के मुहूर्त कुछ इस प्रकार हैं। सुबह 7:05 से लेकर 8:27 तक है अमृत। सुबह 9:49 से लेकर सुबह 11:10 तक है शुभ। दोपहर 3:15 से लेकर दोपहर 4:37 तक है लाभ। और दोपहर 4:37 से लेकर शाम 5:58 तक है अमृत। आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ सिर्फ बिग एफएम पर। कोई भी मेरी आज्ञा के बगैर मुझे दुखी नहीं कर सकता, क्या थॉट है ये। मैं कामिनी खन्ना सोमवार वाले दिन आप सबका एकदम शिवमय स्वागत करते हुए गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आइए जानते हैं मेष से लेके कन्या राशि तक का राशि भविष्य। आज सोमवार है और सोमवार के अधिपति ग्रह होते हैं चंद्रमा। मेष से लेके मीन राशि तक वालों को चंद्रमा कारक होते हैं या अकारक होते हैं ये हम आज जानेंगे, और कहाँ कहाँ के स्वामी होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। मेष राशि, आपके चतुर्थ के स्वामी हैं चंद्रमा और आपके लिए कारक ग्रह तो हैं, लेकिन साथ साथ में जब चंद्रमा स्वग्रही होते हैं तभी आपको आनंद मिलता है। अदरवाइज चतुर्थ के चंद्रमा के जो आनंद होते हैं अपने घरेलू लोगों के साथ वो आप कम लेते हैं। ऐसे में अगर आप रियलाइज करें कि आपकी माँ आपकी सपोर्टर है और उनके प्रसन्न होने से आपकी उन्नति होगी तो आपकी निकल पड़ेगी। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए भी आपके यात्रा के घर के स्वामी तृतीय स्थान के स्वामी छोटे भाई बहनों के स्वामी होते हैं चंद्रमा, और जब ये आते हैं तृतीय स्थान पर तो आपको यात्रा के योग बनते हैं। आपके भाई बहन अचानक से आपको सपोर्ट के मूड में आ जाते हैं और आपको बस इतना जानना होता है कि हाँ आज यात्रा सफल होगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके द्वितीयेश होते हैं चंद्रमा, हालांकि ये आपको बहुत सारा सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जब चंद्रमा कर्क राशि में होते हैं और अश्लेषा नक्षत्र आता है तब आप बड़े प्रसन्न होते हैं, आर्थिक प्राप्ति होती है, परिवार में खुशी रहती है। कर्क राशि, आपके तो लग्न के स्वामी हैं चंद्रमा तो आप तो प्रसन्न होंगे ही चंद्रमा के स्वग्रही होने से, और आपके स्व के स्वामी हैं आप खुद चंद्रमा हो, और आपको अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए चंद्रमा से रिलेटेड वो सभी कार्य करने चाहिए जो मैं समय समय पर बताती रहती हूँ। सिंह राशि, आपके द्वादश के स्वामी हैं चंद्रमा और आपके प्रेम संबंधों के विदेश रिलेटेड यात्राओं के और खर्चों के और सुखों के स्वामी हो जाते हैं चंद्रमा। ऐसे में आपको अगर चंद्रमा स्वग्रही हो जाए तो सुख भी मिलता है, खर्चा भी होता है और आपकी विदेश से रिलेटेड काम बनते हैं, प्रेम संबंधों में सुधार होता है। कन्या राशि, आपके लाभ के स्वामी होते हैं चंद्रमा, छन पैसा बचता है जब आपकी जेब में, तो समझ लीजिए कि चंद्रमा आपके लाभ में आए हैं, और आपके बच्चे भी जब हंसते हैं मुस्कुराते हैं खुश होते हैं तब भी समझ लीजिएगा कि चंद्रमा आपके लाभ में आए हैं। हालांकि कन्या राशि वालों को चंद्रमा इतने बड़े कारक नहीं होते। साधारण और असाधारण में अंतर सिर्फ और सिर्फ मेहनत का होता है। आगे बढ़ना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और आपको अभी तो फिलहाल मैं चंद्रमा आपके लगने के हिसाब से कौन से घर के कारक हैं और अकारक हैं या कारक हैं वो भी बता रही थी। फिलहाल सुनते हैं तुला से लेके मीन राशि तक वालों के लिए। तुला राशि, आपके दशम स्थान के स्वामी हैं चंद्रमा जो निर्देश देते हैं कि आप ऐसी जगह पर काम करें जहां पर समुद्र हो तो आपका कार्य जल्दी बन जाएगा, और आप बैंकिंग से रिलेटेड व्यवहार या पैसों से रिलेटेड शेयर मार्केट इन सब में बहुत कामयाब हो सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके भाग्य के कारक होते हैं चंद्रमा, तो अगर उनकी स्थिति अच्छी हो तो आपका भाग्य जल्दी उज्ज्वल होता है, छोटी उम्र में होता है। आपके बड़े भाई बहनों के भी कारक होते हैं चंद्रमा, और साथ में आपके छोटे भाई बहनों को कूल रखते हैं जब वो स्वग्रही होते हैं, और आपके काम बन जाते हैं जब वो स्वग्रही होते हैं। धनु राशि, धनु राशि के लिए अष्टम स्थान के स्वामी हैं चंद्रमा,
तो जब चंद्रमा आते हैं अपने अष्टम स्थान में तो आप हो जाते हैं उदास। अब ये बड़ी अजीब सा साइंस है कि स्वग्रही होने के बावजूद आपको कई सारे उपाय मिलने चाहिए तो आप उस समय उदास क्यों होते हैं, या आपकी प्रकृति आपको बदलनी पड़ेगी। उल्टे आपको खूब सारा पानी पी के, चंद्रमा को देख के, अपनी माता के पैर छू के, चंद्रमा के उपाय करके आपको उस दिन खुश रहना चाहिए। वैसे जाते जाते पुनर्वसु नक्षत्र जब आता है कर्क में होने पर, तब आप शांत हो जाते हैं। मकर राशि। मकर राशि के लिए चंद्रमा आपके सप्तम के कारक होते हैं, तो अगर चांद से बीवी आ जाए या पति आ जाए तो इसमें कोई शक न कीजिएगा, क्योंकि ये आपके कुंडली में लिखा होता है। और अगर ऐसा कोई गोरा इंसान या ऐसा कोई गोरा व्यक्ति आपके साथ बिजनेस भी करे तो आपके बिजनेस बढ़ते हैं। जब चंद्रमा सप्तमेश होते हैं आपके, तब आपको सप्तम स्थान से रिलेटेड घर का सुख, आपके पार्टनर का सुख मिलता है। कुंभ राशि। आपके षष्ठेश होते हैं चंद्रमा और आपके लिए कारक नहीं होते। आपको लोन्स वगैरह लेने में अगर स्वग्रही हो तो दिक्कत नहीं होती, नहीं तो दिक्कत होती है। वैसे भी चंद्र शनि आपस में विषयोग करते हैं, तो चंद्रमा के षष्ठ में आने पर आपके विरोधी जो है बड़े शांत स्वरूप से आपके साथ विरोध करते हैं। मीन राशि। मीन राशि के लिए आपके पंचम के स्वामी होते हैं चंद्रमा। आप बड़े कूल रहने वाले, शांत रहने वाले, और अगर चंद्रमा स्वग्रही हैं तो एक्स्ट्रा कूल रहने वाले और रिलैक्स रह के काम करने वाले। वैसे भी आप बड़े से बड़े काम कर जाते हो लेकिन बड़े रिलैक्स वे में, और चंद्रमा की स्थिति अगर अच्छी हुई, स्वग्रही हुई, तो आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स और कूल रहते हैं और आपके काम हो जाते हैं पैसों से रिलेटेड, क्योंकि सही सोचते हैं आप। दौड़ते रहो तो मंजिल तो मिल ही जाएगी। अब कभी न कभी तो मंजिल को सामने आना ही पड़ेगा, कहाँ छुपेगी वो हमसे। तो जब हमारी कोशिशें इतनी बढ़ जाती हैं तो सामने मंजिल को आना पड़ता है। मैं कामिनी खन्ना शहर कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करते हुए इस दिन की आपको देती हूँ शुभ 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 मंगल बधाइयां। आइए जानते हैं सिंह राशि के विषय में। ये सिंह राशि जो होती है इसके अधिपति ग्रह स्वामी होते हैं सूर्य। अब सूर्य जो होते हैं इनके लग्न के स्वामी होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी के स्वामी होते हैं, इनके हड्डी, स्कल, इनके आंखें, दांत, इन सब में इनका निवास होता है। आत्मा में इनका निवास होता है, पिता में इनका निवास होता है। नौकरी पेशा हो तो उसमें निवास होता है, अगर कोई सरकारी दरबारी काम करे उसमें निवास होता है। और अगर एनहांस करना हो सिंह राशि वालों को अपना लग्न राशि, तो ये पहन सकते हैं रूबी। रूबी मतलब माणिक, और माणिक जो है वो तीन रत्ती से ऊपर पहनना चाहिए। ये पहनने से इनकी स्व की उन्नति होती है और इनके ये जो सभी क्षेत्र मैंने डिस्कस किए इसमें इनको राहत महसूस होती है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी ज्योतिषीय विचार सिंह राशि के विषय में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड बाय। सुनिए